ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशोपिकामस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वृन्दाय तुलसीतीर्थाय प्रियाय केशवस्तुतः कृष्णभक्ति व्रजदेवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 सब जोर करके बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कहते आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज हम सबके सब हमारे श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज की शतवार्षिक उत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी संपूर्ण पृथ्वी में गुरुदेव का ये शतवार्षिक उत्सव पालित हो रहे हैं। इसलिए हमारे श्री राधेश प्रभु का भी इच्छा इधर आ जाते राधेश प्रभु का भी इच्छा थी ये हम यहाँ पर भी गुरु जी का उत्सव हम भी मनाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर भागवत कथा में आए थे। बोले ये बहुत अच्छा समय है, इसी समय भी हम अपना मंदिर में गुरु जी के उत्सव को हम पालन करते हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ईश्वर जन्म तिथि जहन पवित्र सही मत वैष्णव तिथि चरित्र। अतएव ये दुई तिथि कलिने कलिने पालन भवबंध छुटे पाए श्री कृष्ण चरण। कि जैसे भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, जैसे भगवान की महोत्सव अत्यंत अत्यंत मंगलदायी है, कि तो उसी तरह वैष्णव का भी तिथि भी बेस ही मंगलदायी है। बल्कि भगवान की चरित्र से हमें जितने शिक्षा मिलती है उससे ज्यादा शिक्षा मिलती है वैष्णव। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री गदाधर पंडित के पास में ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाते थे,
हम लोग थोड़ा आगे आगे आ जाओगे, जो लोग बैठे जो पीछे पीछे आएंगे और एकदम पास पास में आ जाओ, वो लोग फिर जो खाली जगह है ना कोई छोड़ना नहीं, खाली जगह उसे भर जाओ। अब भी थोड़ा थोड़ा आगे आ गए, जो पीछे पीछे आएंगे और पीछे पीछे बैठ जाएंगे। ये खाली जगह क्यों रखे हो, खाली जगह सब जैसे दीवार में सहारा देकर बैठे हो, अब खाली जगह को छोड़ना नहीं, सब खाली जगह में भर जाओ सब के सब। ललिता गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे श्री गदाधर पंडित के पास में भागवत कथा श्रवण करने के लिए, श्री गदाधर पंडित महाप्रभु से प्रश्न करते थे, बोले प्रभु आज भागवत से आप क्या श्रवण करना चाहते हो। महाप्रभु कहते थे हमें भक्तों का चरित्र को बारंबार श्रवण कराओ, क्योंकि जो भक्तों का हम कथा सुनते हैं उनने कैसे भक्ति मार्ग में आए, भक्ति में कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, कैसे भजन करते समय भजन में क्या क्या बाधा आई है, उन्होंने ये बाधा को कैसे अतिक्रम करते हुए भगवान की भजन किए है, कितने हरिनाम करते थे, कैसे इसको सुनने से ज्यादा हमारी लाभदायक। भगवान आए पुतना कुमारे अगासुर कुमारे रास लीला किया गिरिराज उठाए, हाँ इसको सुनने तो मंगल तो है ही है, लेकिन ज्यादा है वैष्णव का जब हम कथा सुनते हैं। इसलिए कहते वैष्णव, इसलिए महाप्रभु को श्री गदाधर पंडित भगवान की चरित्र से ज्यादा भक्तों की चरित्र को श्रवण कराए करते थे। इसलिए आज हम लोग परम सौभाग्य का दिन है, श्री गुरुपाद पद्म का भजन आदर्श, उन्होंने कैसे भजन किया, कहाँ पर जन्म हुए, कैसे साधन भजन में धीरे धीरे बढ़े और उनकी गुरु जी के चरण में कैसे निष्ठा थी। इसलिए नियम तो है गुरु जी की कथा रोज ही गुरुदेव का कथा सुननी चाहिए। सदर देखो जब हम मंगला आरती से पहले सबसे पहले किसकी वंदना करते हैं, कहते से गुरु जी पहले कहते ना संसार दावा न ललित लोको त्रणाय कारुण्य घन घन तो प्राप्त स कल्याण गुणार नभोस्य वंदे श्री चरणारविंद। सबसे पहले हम गुरु जी की चरण की वंदना करते हैं। इसलिए भगवान भी खुद कहते हैं प्रथमंत गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम् आप्नोति जनता निष्फल भवति। कृष्ण खुद कहते हैं इतना गुरु गोविंद दो खड़े काक लागता, अगर गुरुदेव अगर गोविंद खड़े हुए हैं किसकी चरण में पहले प्रणाम करनी चाहिए, बोले श्री गुरु जी के चरण में, क्योंकि ठाकुर जी की चरण की भक्ति की बात हमें कौन बताएंगे, गुरु जी तो बताएंगे ना। इसलिए एक शास्त्र में श्लोक आए बोले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम वाक्य मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उसमें कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जगत में जितने ध्यान हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ ध्यान किया है बोले गुरुदेव को मूर्ति का स्मरण करना, बोले पूजा मूलम गुरु पदम जितने पूजा में मूल किया है बोले गुरु जी की चरण करना। इसलिए बोले श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सत्म बंद मुही सावधान हैं। इसलिए कहते मंत्र मूलम गुरु वाक्य, बोले जितने मंत्र में मूल किया है बोले गुरु जी की वाक्य, बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संसार से कैसे उद्धार होगा, भगवत चरण प्राप्ति का सबसे उपाय किया बोले गुरु जी की कृपा ही, मुक्ति का मूल गुरु जी की कृपा है। इसलिए कहते गुरु पाद पद्म जार रहे भक्ति निष्ठा, जिसको जितनी गुरु जी के चरण में भक्ति की निष्ठा है वो व्यक्ति उतना ही जगत में पूज्य पाता है, उतना ही जगत में। तो जिसको गुरु जी के चरण में कोई निष्ठा नहीं, कहते भैया भक्ति जगत में कभी वो व्यक्ति बढ़ ही नहीं सकता है भक्ति जगत में। इसलिए श्री रघुगण महाराज कह रहे हैं बोले रघुगण ही न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्वाप न गृहत वा नहीं वह छंदसी नहीं वह जलाग्नि बिना महत पदो रजो निशा। भरत महाराज रघुगण महाराज जो कह रहे हैं बोले रघुगणी न तपस्या, भाई अगर सोचे हम तपस्या का द्वारा भगवान को पा लेंगे, बोले भैया तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, हटोर तो तीर्थान पटन तो जागवान है, इसलिए जो कुछ कर कुछ होने वाले नहीं है। रघुगण न तपस्या न जाति, कोई उच्च कुल में जन्म ले लिया कि भगवान मिल जाएंगे, बोले नहीं
न इज्जया, दिन भर पढ़ते रहते शास्त्र, पढ़ते रहते क्या मिलेंगे? बोले नहीं। बोले निर्वाप ना गृहत पा, कोई घर बार छोड़ दिया भगवान मिलेंगे? बोले नहीं। न जाति, कोई उच्चे कुल में जन्म लिया मिलेगा? बोले नहीं। बोले नहीं। वह छंदसा, बोले वेद पढ़ता मिलेगा? बोले नहीं। बोले नहीं। वह जलाग्नि, जल अग्नि को दिन भर पूजा करते थे, मिलेंगे? बोले नहीं। बोले आप तो सब बात को नहीं नहीं नहीं, पर एक ही से, बोले केवल एक उपाय है, बिना महत्व दो रजो विषय पर। जब तक कि किसी सदगुरु की शरण में हम नहीं जाते हैं, कहते भैया जो कुछ जीवन में करो कुछ होने वाले नहीं। नहीं तो भगवान राम क्यों वशिष्ठ को गुरु बनाया? महाप्रभु जब गया जाते हैं, जब उनको गुरु जी से भेंट हुआ है ईश्वर कृपा से, महाप्रभु क्या कहते हैं? बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमारे। महाप्रभु कहते आज गया आना सार्थक हो गया। बोले क्यों? बोले जब तक क्षण देखिला हम चरण, आज मेरी गुरु जी की दर्शन मिला है। कहते तीर्थे पिंड दिले तरह से जड़, जिस उद्देश्य में गया में जाकर के जिस उद्देश्य में पिंड दो उसका ही कल्याण होगा, लेकिन तो माँ दर्शन मात्र कुटी पितृगण सही खड़े भव बंद पाए भी बचा। महाप्रभु कहते जब जीवन में किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन हो जाए, साधु का, कहते करोड़ पितृगण उद्धार हो जाएंगे, तुम्हारे करोड़ पितृ लोग उधार हो जाएंगे। अतएव तीर्थ न है तुम्हार समान, क्योंकि तीर्थ को वैष्णव को साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया चे पुराने से सब भक्ति प्रवचन। अगर कोई कहते ना तीर्थ जाने पर कल्याण हो जाएगा, बोले ये वचन मात्र कुछ नहीं। अतएव वैष्णव का जो चरण दब को सामने, चरणामृत को साथ में किसी चीज को बराबर नहीं दे सकते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रभु गुरुदेव अतएव यही देह समर्पित है तुम्हारे, गुरुदेव तुम्हारे चरण में ये शरीर को हमने समर्पण कर दिया, अब हमें भव बंधन से संसार से उद्धार करो। इसलिए जितने शास्त्र का जो निचोड़ है ना, कहते गुरु की शरण में आकर के भगवान की भजन करना, यही शास्त्र का सारे निचोड़ है। इसलिए आज हम लोग श्री गुरु जी की कथा, गुरु जी के अवतार, गुरु जी का विचार वैशिष्ट, आज इस विषय पर हम सबके सब इस विषय पर विवेचना करेंगे। यहाँ पर हमारे कुछ वैष्णव लोग हैं, वो लोग भी कोशिश करेंगे गुरु जी के चरण में कुछ श्रद्धा पुष्पांजलि देने के लिए। कृष्णदास प्रभु, कृष्णदास प्रभु तो गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकृतकर्तृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बने सुंदर देवी भी शतवार्षिकी है, इसलिए हमारे जितने
जितने भी मठ हैं वहाँ पर इन दोनों की ही महिमा का कीर्तन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमारे पूज्यपाद राधेश प्रभु जी ने भी यहाँ पर श्री गुरुदेव के शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में हरी कथा का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग सभी वैष्णवों से श्री गुरुदेव की कथा महिमा श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत श्रवण किया भी था श्री गुरुदेव की महिमा के विषय में। हम लोग जम्मू से ही प्रारंभ करते हैं, श्री गुरुदेव की कितनी महिमा है, कैसे उनके विचारधारा थे, क्या उनका भाव था। एक समय श्री गुरुदेव जम्मू में आए, यहाँ पर रहे, कथा कीर्तन किया, प्रचार किया। गुरुदेव का वैशिष्ट ही था कि लोग उनको बस एक दृष्टि से ही आकर्षित हो जाते। जितने भी पुराने भक्त हैं उन सभी से पूछना, वो सभी लोग खुद ही बताते हैं कि गुरुदेव की जो आंखें थी ना वो बड़ी विशेष, वो बिल्कुल जैसे कृष्ण का जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, आकर्षण। उसी प्रकार से श्री गुरुदेव की आंखों में बिल्कुल आकर्षण था, वो जिसकी तरफ एक बार दृष्टिपात कर देते थे वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते। इसलिए जम्मू के भक्त लोग जब गुरु जी जाने लगे, उनका जाने का समय हुआ, तब सारे भक्त लोग बड़े दुखी हो गए कि गुरुदेव आप चले जाएंगे। तो गुरुदेव कहने लगे, तुम लोग दुखी क्यों होते हो, तुमको पता है मैं जिस स्थान पर जाता हूँ वहां से कभी वापस लौटता नहीं। अभी भक्तों को तो समझ में नहीं आया, गुरु जी तो लौट रहे हैं, टिकट बनी हुई है, फिर ये क्या कहना चाहते गुरुदेव। देखो गुरुदेव के भाव कितने गंभीर थे, वो सब समय बड़े गंभीर भावों में डूबे रहते। कल भी बताया था ना, गुरु जी विदेश में थे और नहीं मौके लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। कुछ भक्तों ने पूछा कि गुरुजी आप मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते हैं, तो गुरुजी ने कहा, कौन कहता मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करता हूँ। विदेश में है लेकिन भाव कहाँ पर है उनके, उनका हृदय कहाँ पर है, ब्रज में। सब समय ब्रज में ही, ब्रज भावों में ही डूबे रहते। उसी प्रकार से जब ये जम्मू के भक्तों ने पूछा कि गुरुजी आप कल चले जाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तो जिस स्थान पर एक बार जाता हूँ वहां से कभी लौट करके नहीं आता, अर्थात सब समय उसी स्थान में ही रहता हूँ। अभी ये क्या बात हुई, देखो ये बात है कि गुरुजी सब समय अपने भावों के द्वारा, अपने शिक्षाओं के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा आज भी जम्मू वासी भक्तों के हृदय में है कि नहीं है, क्या हो? तो कहाँ छोड़ करके गए, बस हमको, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो जड़ है, वो जड़ दृष्टि से हमको साक्षात रूप में दिखाई नहीं देते। किंतु गुरुदेव कहते थे, आई एम क्लोजर टू योर हार्ट देन द एयर यू ब्रीथ। कोई साधारण बद्ध जीव कह सकता है बात? इस बात का कितना गूढ़ रहस्य है कि मैं तुम्हारे हृदय के कितना निकट हूँ, जितनी तुम सांसें ले रहे हो ना उससे भी अधिक निकट हूँ। ये बात कौन कह सकता है, ये विचार करने वाली बात। ये बात कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है, और जो कृष्ण के जैसे हैं वो भी ये बात कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा अधिकार नहीं। तो गुरुदेव देखो क्या वस्तु है, कैसे उनका विचारधारा है, और हम लोग साक्षात रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। जो गुरु जी ने बात कही वो गलत होती तो यहाँ पर ये सब मठ थोड़ी होता, ये मठ नहीं है, ये क्या है, साक्षात सेवा कुंज को प्रकाशित करके गए। यहाँ पर प्रतिदिन राधा कृष्ण की मंगल आरती होती है, संध्या आरती होती है, ठाकुर जी को भोग लगता है, राधा कृष्ण की महिमा का यहाँ कीर्तन किया जाता है, और सेवा कुंज में भी और क्या होता है, जो वृंदावन में जो सेवा कुंज है उसमें और क्या होता है, यही सब तो होता है जो यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए गुरु जी यहाँ पर साक्षात रूप में विद्यमान हैं, अपने विचारों के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से, और शिष्यों पर कृपा करके उनके हृदय में वो सब भावों को उन्होंने संचरित किया है, ये गुरु जी कहना चाहते हैं। इसलिए कभी गुरु वर्ग कभी झूठ नहीं बोलते, किंतु हमारी बुद्धि जड़ है, हमको वो बातें समझ में नहीं आती। इस प्रकार से श्री गुरुदेव के भाव थे।
कोई भी भक्त जैसे बताया कुछ भी गुरु जी कुछ भी बोलते हैं उसका इतना गूढ़ तात्पर्य होता है और सब समय कैसे भावों में डूबे रहते हैं वो सब समय राधा कृष्ण के भाव। एक समय एक भक्त हमारे राग लेखा दीदी वो गुरु जी के पास मिले। गुरु जी ने उनसे पूछा तुम मेरे लिए क्या लाई हो? हम लोग क्या सोचेंगे गुरु जी ने पूछा क्या लाई हो तो कोई सब्जी बना करके लाया कोई मिठाई बना करके लाया कोई फूल माला ले आया कोई पैसे ले आया यही सब सोचेंगे ना। तो उन्होंने पूछा कि गुरु जी मैं आपके लिए क्या लाऊं मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ठीक बात है शिष्य गुरु को कुछ नहीं दे सकता गुरु ही जगत में देने के लिए आए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है तुम मेरे लिए 108 कमल पुष्प ले आओ। वो तो बड़ी खुश हो गई कि चलो गुरु जी ने कुछ मांगा है मुझसे और वो कहते बस गुरु जी मैं अभी बाजार जाती हूँ और लेकर के आती हूँ। आप उनको समझना बहुत एक एक चीज को ध्यान से समझना नहीं तो गुरु जी की महिमा समझ में ही नहीं आएगी। कैसे भाव थे उनके जैसे उन्होंने कहा कि मैं जाकर के 108 कमल लेकर के बाजार से आती हूँ गुरु जी हंसने लगे कहते पागल ये 108 इन 8 कमलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 108 हृदय कमल की बात कर रहा हूँ वो मुझे राधा जी के चरणों में समर्पित करने राधा जी के जो निज जन हैं उनका कैसा भाव होता है इस बात से हम समझ सकते हैं कि 108 हृदय कमल चाहिए उनको। इसलिए वो जो लोग भक्तों को कहते हैं कि जाकर के प्रचार करो पैसा कमाने के लिए नहीं करते उनको क्या करना है उनको जो हमारे जो हृदय हैं कितने कलुषित हैं काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य सब भरा पड़ा है उनको गुरु जी क्या करेंगे साफ करेंगे और साफ करके उनको उसके योग्य बनाएंगे कि उनको राधा जी के चरणों में समर्पित करें। इस प्रकार से कुछ भी बात गुरु जी कहते जो कोई भी बात कहते हैं गुरु जी वो सब कुछ सब राधा और कृष्ण की सेवा के लिए और विशेष रूप से उसमें भी श्रीमती राधा रानी के लिए उनका सब समय हृदय में भाव रहता है। एक समय श्री गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि गुरुजी आप सब समय रस तत्व की कथा करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची कथाएं करते हैं इसका कारण क्या है सामान्य लोगों के सामने इस प्रकार की कथाएं नहीं बोलनी चाहिए। तो गुरुजी एक बात कहते थे गुरुजी कहते थे देखो उदाहरण दिया गुरु एक समय हमारे श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु श्री प्रभुपाद के शिष्य थे हमारे परम गुरुदेव के गुरु भ्राता और परम गुरुदेव के इतने प्रिय थे कि जब श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु अप्रकट हुए उस समय परम गुरुदेव इतना फूट फूट करके रोए थे बच्चों की तरह फूट फूट करके रोए। हमारे गुरु जी स्वयं लिखते हैं उनके ग्रंथ में जो उनकी बायोग्राफी में कि ऐसा मैंने वैष्णव विरह में किसी को रोते हुए क्रंदन करते हुए कभी नहीं देखा इतना उनके प्रति प्रीति थी नरहरि सेवा विग्रह के प्रभु के प्रति। तो एक समय उनका बहुत ही वैराग्य मठ में सारी सेवाएं करते थे और हरि नाम करने का समय नहीं मिलता था तो रात को क्या करते थे रात को बैठ जाते थे ऐसे दीवार के साथ और हरि नाम लेकर के बैठ गए और अपनी जो चोटी है ना सिखा उसको खूंटी से बांध देते थे रस्सी। तो एक दिन एक ब्रह्मचारी छोटा ब्रह्मचारी था उसने पूछा कि प्रभु जी ये आप क्या करते हैं तो उन्होंने डांट लगा दी चुप रहो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा चुपचाप सो जाओ। फिर उन्होंने दोबारा पूछा तो कहा कि देखो तुम नहीं समझोगे अभी तुम बालक हो मैं सारे दिन सेवाओं में व्यस्त रहता हूँ मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं हरि नाम कर पाऊँ लेकिन संख्या पूर्वक नाम करना बहुत जरूरी है इसलिए अभी मैं अब सारे दिन थके हुए हैं हरि नाम करने बैठेंगे तो नींद आ जाएगी इसलिए मैंने अपनी शिखा को ये बांध दिया है कि जैसे ही नींद आएगी गर्दन ऐसे लटकेगी तो फिर वो पीछे से खींचेगा नींद टूट जाएगी फिर हरि नाम करूँगा। कैसी नाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए साधक ऐसा भजन करते थे बिल्कुल वैराग्य। तो ऐसा करते करते उनके क्या हो गया कि उनका जो पूरी अंदर से नाड़ी सूख गई थी पेट में ऐसा लूज मोशन ऐसे बीमारी हो गई कि कुछ भी खाते यहाँ था कि पानी भी खाते तो भी पचता नहीं पानी पीने पर भी नहीं पचता वो भी निकल जाता बाहर। डॉक्टर के पास में जब लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा इनको घी पिलाओ। अभी हम लोग क्या सोचेंगे कैसा डॉक्टर है अरे पानी भी नहीं पच रहा है घी पीने की बात कर रहा है घी तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं स्वस्थ उनको भी नहीं पचता है
तो डॉक्टर ने बताया कि देखो इनकी नाड़ियां भीतर से पूरी सूख चुकी, तुम इनको घी पिलाओगे, मैं जानता हूँ वो निकल जाएगा बाहर, किंतु थोड़ा सा तो उसमें चिपकेगा, थोड़ा थोड़ा चिपकते चिपकते वो नाड़ियों में थोड़ी चिकनाहट आएगी, तब वो दूसरी जो चीज़ है उनको एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर शक्ति आएगी, तो इस प्रकार से घी पीते पीते ही वो ठीक होगा। उसी प्रकार से मैं रस तत्व की कथा सुनाता हूँ तुमको, मैं तुम्हें रस तत्व की कथा सुनाता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर में धारण नहीं कर सकते, अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है, किंतु तुम्हारी नाड़ियां भीतर से सूखी हुई हैं, बिल्कुल कुछ तो लगेगा, जब कुछ लगेगा तो धीरे 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 वो आधार बनेगा, वो आधार बनते बनते ही किसी जन्म में तुम्हारे हृदय में इन बातों के लिए लोभ जागृत होगा, और तब तुम उनको प्राप्त करने के लिए उत्कंठा पूर्वक भजन करोगे, जैसे विचार थे। और दूसरा उदाहरण दिया, ये देखो एक व्यक्ति था, उसके पास मान लो 500 रुपए घी खरीदने के लिए बाजार में गए, अभी जो अच्छे वाले घी है ना 500 रुपए में तो ऐसे जर्सी गाय का और ऐसे नकली घी आते, जो असली देसी गाय का घी है 1,500 रुपए में आएगा, उससे भी महंगा हो सकता है, अब रुपए तो 500 ही है जेब में। उसने पूछा दुकानदार से, भैया घी कैसा दिया है? उसने बताया 1,500 रुपए का। उसने कहा मैं चेक कर लूँ, चेक कर लूँ, तो उन्हें थोड़ा उंगली डाली और बाहर आ गया, और बाहर आ करके कहा भाई अभी तो मैं नहीं खरीदूंगा, बाद में आकर के ले जाऊंगा। बाहर आया, बाहर आकर के घी जब चाट करके देखा तो बड़ा टेस्टी लगा, बड़ा टेस्टी लगा, किंतु अभी उसका खरीदने का अधिकार नहीं है, पैसा नहीं है, 500 रुपए का 1,000 रुपए और लेकर के आने पड़ेंगे। तो गुरु जी कहते थे इसी प्रकार से मैं तुमको ये रस तत्व का जो रूपी घी है इसका एक चखा रहा हूँ कि तुमको स्वाद लग जाएगा, तो स्वाद लग जाएगा उससे क्या होगा कि फिर तुम पैसे कमा करके लाओगे। पैसे कमा करके लाने का मतलब क्या है? साधन करोगे। इसलिए शास्त्र में बताया कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतये न लभ्यते। जो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है, अर्थात जो कृष्ण के राधा कृष्ण की सेवा के लिए इस प्रकार से सब समय डूबे रहते हैं, ऐसी जो भक्ति है, ऐसी जो मति है, वो कहीं मिलती नहीं है। इसलिए जिसके पास में है उसे खरीद लो जाकर के, अब खरीदने के लिए तो मूल्य देना पड़ेगा, जैसे ये घी वाला गया था 500 रुपए लेकर के, तो कह रहे फिर इसका मूल्य क्या है? तो मूल्य है इसका लोभ, इसको कहते राग भक्ति, रागानुगा भक्ति, इसका लिए एक ही मूल्य है कि लोभ होना चाहिए। जन्म कोटि सुकृतये न लभ्यते, हम लोग जो वैधि भक्ति का पालन करते हैं उससे ये करोड़ों करोड़ों जन्म में भी ये प्राप्त नहीं हो सकती। फिर कैसे प्राप्त होगी? जो गुरुवर्ग की ऐसे जो रागात्मिक जन है, भगवान के निज जन, उनकी जो इस प्रकार की कथा सुनते सुनते हृदय में हमारे हृदय में भी लोभ जागृत हो जाएगा। कैसे लोभ जागृत होगा? हो कृष्ण के सखा तो कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते, अभी तक तो हमने यही सुना था कि भगवान है कृष्ण, तो उनके सामने ब्रह्मा शिव और अन्य अन्य देवता भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते प्रभु कृपा करो कृपा करो, तो कृपा ही नहीं करते। इस प्रकार से राम जी के आगे हनुमान जी बैठे रहते हैं हाथ जोड़ करके, लेकिन ये कैसी भक्ति है जहां पर कि कृष्ण के सिर कंधे पर चढ़ जाते हैं सखा लोग, उनको अपना झूठा खिला देते हैं। भगवान को कभी झूठा भोग लगाया किसी ने? अपराध हो जाएगा, भगवान को कभी झूठा भोग नहीं लगा सकते। लेकिन सखा कृष्ण के कैसे हैं? वो पहले पकौड़ा चख लिया, कहते देख कन्हैया देख मेरी माँ ने कितना सुंदर पकौड़ा बना, देख तू भी खा, तो मुंह में जबरदस्ती दे दिया, तब समझ में आता है कि अरे ये क्या भक्ति है, क्या चमत्कार है, उस भक्ति का हेतु है। ये लोग जागृत कैसे होगा? ये जागृत होगा जब ऐसे महाभागवतों की कथा सुनेंगे। मैया यशोदा देखो, जो कृष्ण बताया जिनके लिए, जो नारायण है वैकुंठ में, लक्ष्मी देवी सदैव जिनके चरण दबाती रहती हैं, दशरथ महाराज और कौशल्या जी के सामने जब प्रकट हुए थे राम जी चतुर्भुज में, तो उनको स्तुतियां करने लगे देवकी और वसुदेव, उनकी स्तुतियां करते हैं, सारा जगत स्तुति करता है, और यशोदा मैया ने क्या किया, पकड़ करके बांध दिया और डंडा छड़ी और दिखा रही, छड़ी दिखा रही पिटाई कर दूंगी, और कृष्ण भय के मारे कांप रहे, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमारे हृदय में भी लोभ जागृत होता है कि ये कैसी भक्ति है कि जहाँ कृष्ण ऐसे साधारण बालक बने हुए गोपियों के चरणों में सिर झुका करके
उनकी कृपा की प्रार्थना करते, राधा जी की चरण सेवा करते, सेवा को जाए वृंदावन। तो ये भक्ति कहाँ से पता चली? श्री गुरुदेव ने सारे विश्व में इसी भक्ति का ही प्रचार किया। तो इसीलिए गुरु जी कहते थे, मैं तुमको एक बूंद चखा रहा हूँ, मैं जानता हूँ अभी तुम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारे अगर मुंह में टेस्ट लग गया, और वो टेस्ट लग गया तो फिर तुम उसको प्राप्त करने के लिए ऐसी उद्घंटा करोगे। और फिर जब तुम्हारे पास वो मूल्य आ गया, तो फिर भक्त लोग तुमको उस मूल्य को देख करके, हाँ इसके हृदय में लोग है, तुमको वो भक्ति प्रदान कर। कैसा गुरु जी का विचार था, हर चीज में ऐसे ही विचार था। एक समय श्री गुरुदेव विदेश में थे और भक्तों से पूछने लगे, छोटी से छोटी बात में इतनी बड़ी से बड़ी शिक्षा दिया करते। भक्तों से पूछने लगे, बताओ तुम्हारा गोत्र क्या? अभी यहाँ पर बहुत सारे दीक्षित लोग बैठे हुए हैं, बताओ गोत्र क्या है आपका? अभी हवन करके आए हम लोग, वहाँ सभी को बताया गया, भाई तुम लोगों का सबका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र। लेकिन गुरु जी ने कहा, मेरा अच्युत गोत्र नहीं। आश्चर्य पड़ जाएंगे, गुरु जी ने तो हमको दीक्षा दिया, गुरु जी ने हमको बताया तुम्हारा अच्युत गोत्र है, गुरु जी कह रहे मेरा अच्युत गोत्र नहीं है, गुरु जी कहते मेरा राधा गोत्र है। सब समय राधा जी के दास पाल्य दासी का कैसा मंजरी भाव से जो होते हैं, उसमें किस प्रकार से गुरुदेव सदैव डूबे रहते थे। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि मेरा गोत्र क्या है? राधा गोत्र। अर्थात जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो श्री रूप गोस्वामी, जो हमारे जितने भी गोस्वामी गण हैं, उन्होंने जिस भाव को प्रचार किया है, रूपानुग विचारधारा। वो रूपानुग विचारधारा क्या है कि हमारा कृष्ण के साथ में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। इस बात को समझो, हमारा जो वैशिष्ट्य है गौड़ी संप्रदाय का, अन्य अन्य संप्रदाय से भी क्या स्पेशलिटी क्या है? सारा जगत कृष्ण का भजन कर रहा है, हम लोग कृष्ण का भजन नहीं करते। हम लोग किसका भजन करते हैं? मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज बन्नेश्वरी मन नाथत्व तद अतुल सखित्व ललिता विशाखां शिक्षाली वितरण गुरुत्व प्रिय सरोजिंदो तत्प्रेक्षा ललित रत करते स्मरण। श्री मनस इच्छा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं ये बात कि कृष्ण के साथ में हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है। वो कौन है? मद ईशा। हमारी जो ईशा है, हमारी ईशा कौन है? श्रीमती राधा रानी है, उनके नाथ है वो, इसलिए हमारा उनके साथ में संबंध है। अर्थात अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी नाथ कौन है, तो हम कहेंगे श्रीमती राधा रानी ही हमारी नाथ। यही बात गुरु जी कह रहे हैं कि देखो मेरा राधा गोत्र है, तुम लोगों का अच्युत। छोटी छोटी बात में इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा, इतनी बड़ी रूपानुग विचारधारा को उन्होंने कैसे एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से बताया? कैसा गुरुदेव का कथा का क्या स्पेशलिटी थी? बहुत से लोगों ने श्री वल्लभाचार्य जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े सिद्ध संत हुए। उनके पुत्र थे विट्ठल जी। वो जो विट्ठल जी है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में उनका सखी भाव था, और श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी की कृपा से उनको भी मधुर भाव की प्राप्ति हुई। किंतु उन्होंने भी जो स्तुतियां की हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर, वो राधा जी के दासी की प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु किससे कर रहे हैं? कृष्ण से कर रहे हैं। इस बात को समझना, गुरु जी कहते थे कि देखो जो विट्ठल जी प्रार्थना करते हैं उसमें, और हमारे जो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं कहते, इसको वैशिष्ट्य कहते हैं। क्या वैशिष्ट्य है? कि कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी के दास के लिए, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं हमको तो कृष्ण से मतलब ही नहीं है, हम राधा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। पदाब जीवस्तम बिना वरदास में नानित कदापि समय किल देवी आचे सख्याय ते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दास्याय ते मम रसोस्त रसोस्त सत्य। श्री राधा जी से रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राधे, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? क्या चाहिए तुमको बताओ? तो राधा जी कह रहे हैं मैं तुमको अपनी सखी बना दूं। रघुनाथ दास कह रहे हैं आपके सख्य पद को बारंबार प्रणाम करता हूँ, मुझे सखी पद नहीं चाहिए। तो फिर राधा जी ने पूछा क्या चाहिए? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे तो आपके चरणों की दासी 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 ही बनना है। और उनका कैसा भाव है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब ब्रज में भजन करते हैं, बड़े विरह में भजन कर रहे हैं, अपने स्वनियम दशकम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं
कि मान लो मैं भजन में व्याकुल होकर के उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं क्योंकि राधा कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे। कृष्ण तो उस समय द्वारका में, तो मान लो कृष्ण कह रहे हैं कि अरे तो तुम रघुनाथ इतना दुखी क्यों होते हो, तुम द्वारका आ जाओ मेरा दर्शन कर लो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं आपको दूर से ही प्रणाम, जहां पर हमारी राधा जी नहीं है वहां पर हम नहीं जाएंगे, आपकी कृपा हमको नहीं चाहिए। तो मान लो कि कह रहे हैं कृष्ण की अरे ये तो तुम लगता है कि आलस के मारे नहीं आ रहे हो, यहाँ से ब्रज से चल करके द्वारका इतनी दूर जाना पड़ेगा इसलिए आलस कर रहे हो क्या? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं आलस मत समझना इसको, अगर मेरी श्रीमती राधा रानी अगर आपकी सेवा के लिए द्वारका चली जाती हैं तो अभी मैं गरुड़ से भी तेज उड़ करके, गरुड़ कैसे उड़ते हैं पता है, मन की गति से उड़ते, गरुड़ से भी तेज गति से उड़ करके मैं अभी द्वारका पहुंच जाऊंगा और आपकी सेवा राधा जी की सेवा। किंतु जहां पर मेरी श्रीमती राधा रानी नहीं है वहां पर मुझे बकारी कृष्ण से भी कोई लेना देना नहीं, मैं तो यही ब्रज में राधा कुंड के तट पर रह करके और ब्रजवासियों से भिक्षा मांग करके खा लूंगा, इनकी प्रजल्प की बातें जो ग्राम में कथा वो भी सुन लूंगा, किंतु राधा कुंड को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। ये है रूपानुग विचारधारा और यही हमारे गुरुदेव की स्पेशलिटी थी, ये गुरुदेव का वैशिष्ट था और सारे जगत के लोग जानते थे इस बात। एक समय श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे श्री कृष्ण केशव प्रभु, वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य गौड़ी मठ में श्रील भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में रहते थे, बहुत सेवा किया उन्होंने, प्रभुपाद के लिए रसोई बनाया करते थे, कितने श्रेष्ठ वैष्णव थे। एक समय उनके पास में हमारे एक भक्त हैं उनकी बेटी गई उनके दर्शन करने के लिए, तो उनको प्रणाम किया। उसके बाद में वो प्रभु जी ने पूछा कि तुम्हारा कुछ प्रश्न हो तो बताओ नहीं तो मैं अपने मन से फिर हरी कथा बोलूंगा। तो उन्होंने प्रश्न किया, समझना ध्यान से, उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु जी ये रूपानुग क्या है? वो हंसने लगे और हंसते ही उन्होंने क्या बोला, क्या नारायण महाराज जी का शंकर किया है? देखो गुरुदेव की स्पेशलिटी, देखो जो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो भी जानते थे कि ये रूपानुग विचारधारा का सबसे अधिक जो प्रचार करने के लिए जगत में किसको भेजा राधा जी, यद्यपि हमारे सारे गुरुवर्ग ही प्रचार करने के लिए आए जगत, लेकिन जैसे बताया कि समय के अभाव के कारण अथवा महाप्रभु का जो आदेश है उनके लिए, जिसको जो जो स्पेशलिटी है वो महाप्रभु के आदेश से उन्होंने ऐसा किया। शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने सारे विश्व में जैसा प्रचार किया कोई कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है कि वो रूपानुग विचारधारा का प्रचार नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, किंतु महाप्रभु ने किसको किस चीज के लिए चुना वो ऐसा कर रहे हैं। हमारे महाराज जी के गुरु जी श्री रूप सिद्धांती गोसाई महाराज, उन्होंने वेदांत प्रस्थानत्रय जो वेदांत सूत्र गीता और जो उपनिषद है उनकी टीका की रचना की, किसी भी संप्रदाय को प्रमाणिक मानने के लिए वो तीन टीका जरूरी है, गौड़ी संप्रदाय प्रभुपाद के विचारधारा के अनुसार उन्होंने वो टीका की रचना की, क्यों? महाप्रभु का आदेश। तो महाप्रभु ने जिस भक्त को जैसे जैसे आदेश दिया उन्होंने वैसा वैसा ही कार्य किया, इसलिए कभी भी दो महापुरुषों के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अपराध हो जाएगा। हमारे गुरु जी श्रेष्ठ हैं, इनके गुरु जी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ये अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो जो गुरु जी जगत में करने के लिए आए वो महाप्रभु की इच्छा से आए हैं, महाप्रभु ने उनको जो आदेश दिया है वो कर रहे हैं। लेकिन स्पेशलिटी वैशिष्ट होता है आचार्य का अपना, वो हमारे गुरुदेव का क्या वैशिष्ट था, इसीलिए प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो भी जानते हैं कि रूपानुग विचारधारा अगर ये प्रश्न पूछा है तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से या तो इन्होंने नारायण महाराज का ग्रंथ पढ़ा है अथवा उनसे हरि कथा सुनी है अथवा उनके किसी भक्त का संग किया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ही इस विचारधारा को विशेष रूप में सारे विश्व में प्रचार किया है। ये देखो गुरुदेव की स्पेशलिटी। गुरुदेव कहते थे मैंने तुम्हें सर्वोत्तम संबंध, सर्वोत्तम अविधेय और सर्वोत्तम प्रयोजन प्रदान किया, मैं तुम्हें सर्वोत्तम साधु संग प्रदान करता हूँ। कल हम लोगों ने सुना था ना, तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, ब्रज में वास का क्या मतलब है, गुरु जी ये कह रहे हैं बात, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें तीन ही चीजें, संबंध अविधेय प्रयोजन। जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, किंतु धीरे धीरे समझ में आएगी बातें। संबंध क्या होता है? संबंध होता है हम कृष्ण का भजन क्यों कर रहे हैं, उनका हमारे साथ में संबंध क्या है। भगवान गीता में कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि जीव मेरा सनातन अंश है,
इसलिए भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारे प्रभु हैं, इसलिए हमारा संबंध है कृष्ण के साथ। गुरु जी क्या स्पेशल देने के लिए आए थे? गुरु जी कह रहे हमारा कृष्ण के साथ में कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध राधा जी की दासी के रूप में है, राधा जी के चरणों के साथ में हमारा संबंध सर्वोत्तम संबंध है। क्योंकि इस संबंध की महिमा क्या है, देखो कृष्ण के भी भक्त होते हैं लेकिन कृष्ण सारे भक्तों के पैरों में गिरते नहीं, लेकिन जो राधा जी की दासियां हैं उनका कैसा अद्भुत उनकी महिमा है कि कृष्ण जब राधा जी के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते तो उनकी जो दासियां हैं उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं कि तुम मुझे प्लीज थोड़ा सा जाकर के राधा जी के एक बार दर्शन करा दो। ऐसी उनकी महिमा है राधा जी की जो दासियां हैं, इसलिए गुरु जी कहते थे सर्वोत्तम संबंध प्रदान, सर्वोत्तम अभिधेय। अभिधेय किसको कहते? साधन। पता चल गया कि अच्छा कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, अब भजन साधन करोगे, हरि नाम करना प्रारंभ करोगे, कथा कीर्तन सुनोगे और जो भक्ति के 64 अंग हैं उनका पालन करोगे, उसमें भी सर्वोत्तम अभिधेय। सर्वोत्तम साधन क्या है? जो रूपानुग विचारधारा, जो हमने अभी सुना कि गुरुदेव किस प्रकार से हमारा अभिधेय क्या है कि जो रूप गोस्वामी ने जिन भावों के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा की है उन्हीं का अनुसरण किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और उन्हीं के अनुगत में ही हम लोगों को भी भजन करके उसी भाव से राधा कृष्ण की सेवा करनी, ये सर्वोत्तम अभिधेय हुआ। और सर्वोत्तम प्रयोजन जो अभी हमने बताया था कि श्री रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी के चरणों में, हा देवी का कुबर गदगद या दिवाचा याचे निपत्य भूमि दंडवत उद्भटार्थी अस्य प्रसादम अभुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गड़े गणनाम विदेही। हे गांधर्विके, हे राधे, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, काकु विनती के द्वारा प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरी गणना अपने गणों में कर लीजिए, अर्थात मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जैसा भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बताया कि मुझे सख्य भाव भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मात्र आपकी दासी का ही भाव चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर श्री गुरुदेव कहते हैं मैंने तुम्हें सर्वोत्तम प्रयोजन अर्थात जो राधा जी की दासी मंजरी भाव वही हमारा सर्वोत्तम प्रयोजन है, उसी को प्रदान करने के लिए मैं जगत में आया। तो गुरुदेव ये बात कहते थे मैंने तुम्हें सर्वोत्तम साधु संग प्रदान किया, सर्वोत्तम संबंध, सर्वोत्तम अभिधेय और सर्वोत्तम प्रयोजन प्रदान कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्री गुरुदेव ने जो बहुत बहुत उनका अवदान है, लेकिन ये जो है ये सारी बातें जो रूपानुग विचारधारा है, जो राधा जी के बाल्यदासी का भाव है, वो उनका विशेष विशेष वैशिष्ट था और वो सब समय उन्हीं भावों में डूबे रहते। एक समय एक भक्त ने प्रश्न पूछा गुरुदेव कि गुरुदेव एक बात बताइए, हम लोग देखते हैं कि जो थोड़ा भी भाव अवस्था में भी पहुंच जाता है उसका कृष्ण के साथ में संबंध हो गया, स्वरूप की उपलब्धि हो गई, तो वो भी जब कृष्ण के भाव में डूबा रहता है तो फिर वो ग्रंथ कैसे लिखेगा? ग्रंथ तो वो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रंथ लिखते लिखते उनको वो भाव की स्फूर्ति होने लगती है। जो प्रेमी भक्त हैं, जब भाव की स्फूर्ति होती है, हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी पाद जी ऐसे संख्या पूर्वक नाम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बस वो एक दो नाम करेंगे और सीधे लीला में चले जाएंगे। वो लीला में कितना समय चला गया, कभी कभी दिन भी हो जाते हैं, कितने दिन भी निकल गए पता नहीं, अभी संख्या पूर्वक नाम कैसे करेंगे, अब पूरे दिन में एक ही नाम हुआ। लेकिन ये नाम कैसा है, ये भी बात गुरुदेव कहते थे कि देखो हरिदास ठाकुर भी हरि नाम कर रहे हैं, उनका भी नाम शुद्ध नाम है, किंतु रूप गोस्वामी भी नाम करते हैं। इन दोनों के नाम में बड़ा विशेष वैशिष्ट है कि रूप गोस्वामी का क्या नाम होता है कि वो सीधे कुसुम सरोवर में पहुंच जाते हैं और वहां पर राधा जी की सेवा करना पड़ा। इसलिए रूप गोस्वामी का जो नाम है वो बहुत बहुत स्पेशल है। तो इसलिए जो श्री रूप गोस्वामी हैं वो भी किस प्रकार से भजन करते हैं, उसी प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते हैं। तो इस प्रकार के जो भजन परिपाटी की शिक्षा देने के लिए श्री गुरुदेव सब समय बोलते थे। तो हमने क्या बताया कि गुरुदेव से किसी ने प्रश्न पूछा कि ये जो रूप गोस्वामी हैं, ये अगर मान लो ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, राधा जी की लीला लिखना शुरू किया, तो राधा जी की लीला में तो प्रवेश कर जाएंगे, फिर ये ग्रंथ कैसे लिखते? हम लोग सुनते हैं कि एक समय श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ललित माधव विदग्ध माधव रचना किया और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को पढ़ने के लिए दे दी। वो पढ़ने के साथ साथ तो उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होती जा रही, निरंतर बंद ही नहीं होते अश्रु,
रूप गोस्वामी ने सोचा ये तो पूरा ग्रंथ को भिगो दिया। उस समय तो कागज पेपर नहीं होते थे, वो जो भोज पत्र है, जो ताल पत्र जो पेड़ का, उस पर लिखते थे, और वो भीग गया तो दोबारा फिर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए उनको थोड़ा तसल्ली देने के लिए श्री रूप गोस्वामी पाजी ने फिर से उनको एक दान के लिए गौमुदी वो ग्रंथ की रचना की, फिर उसको दिया तो थोड़ा रूप रघुनाथ दास गोस्वामी को शांत करा। तो गुरुदेव से प्रश्न पूछा भक्त ने कि फिर ये कैसे लिखते गोस्वामी लोग, तो गुरुदेव ने एक मिनट में उत्तर दे दिया बिल्कुल बिना सोचे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी जानते हैं उन भावों को, उन भावों में डूबे रहे। गुरुदेव ने कहा देखो तुमने जो बोला बिल्कुल सही बात है, जो भक्त है वो ग्रंथ नहीं लिख सकता, किंतु भगवान की इच्छा से भगवान क्या करते हैं योग माया के द्वारा उनके उन भावों को ढक देते हैं। अगर वो भाव उनके जागृत हो गए फिर वो ग्रंथ नहीं लिख सकते, वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं सकते, ग्रंथ क्या लिखेंगे। इसलिए क्योंकि गुरु जी का अपना वही भाव है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें सब समय किसी न किसी रूप में लोगों को बताया करते। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया, अभी अन्य वैष्णव की कथा करेंगे। वांछा डॉक्टर कौशिक।